नमस्कार दोस्तों, ट्यूटोरियल प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि फोटो लेमर में कैसे हम फोटो को एडिट कर सकते हैं और फोटो लेमर को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि फोटो को कैसे कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें इंटरफेस है और क्या क्या इसके फीचर्स दिए हुए हैं और डाउनलोड करने का जो तरीका वो भी आपको हम बताएंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल प्लस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये नीचे फोटो लेमर का ये लोगो लगा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस अगर देखिए अगर आपने परचेज किया होगा तो ऐसा तो अनलॉक का नहीं दिया होगा, अगर परचेज नहीं आप करेंगे तो अनलॉक का यहाँ पर देगा। ठीक है, फिलहाल मेरा भी पैरेटेड वर्जन है, केवल ट्रायल पैक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन भी कर सकते हैं और सिंपल इमेज भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते, सॉरी सिंपल इमेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं क्योंकि फोटो चूज करना है। अच्छा एक चीज़ और, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फोटो आपका जहाँ भी स्टोर हो, फिलहाल तो मेरे यहाँ डाउनलोड में फोटो है तो हम यहाँ से फोटो ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ओपन क्लिक करते हैं। तो फोटो लेमर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा खुद से वर्क नहीं करना होता है, जो ऑटोमेटिकली ये फेस को कैप्चर करता है, जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई मैनुअली एडिट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट वन क्लिक करेंगे और सारे फोटो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा देखा आपने कि मैंने फोटो केवल अभी अपलोड किया और फोटो आने के बाद ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो गया है, देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर, है ना। पहले ऐसे था और क्लियर होने के बाद ये इस तरह हो गया। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है फोटो एडिटर के लिए। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, अपने क्लाइंट को एक बढ़िया फोटो देना चाहते हैं कम समय में, तो ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो मात्र एक क्लिक में आप फोटो को एकदम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा ये तो ऑप्शन हो गया बाय डिफॉल्ट है, कुछ आपको अगर एडिट करना है, फिल्टर लगाना है, तो यहाँ से आप क्लिक करके फिल्टर को चूज कर सकते हैं। कुछ बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से 2-4-5 दिए हुए हैं उसको यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको परचेज करने का ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगे तो इसको जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसमें मात्र एक क्लिक से आप सारे सॉल्यूशन पा सकते हैं। हालांकि ये पैटर्न वर्जन हम यूज करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके फुल वर्जन में आपको ये सारी चीज़ें आपको देगा, जिसमें आप क्रिएटिविटी अपना भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से आप बाय पर क्लिक कर सकते हैं, इसका वीडियो देखना है तो यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं। कोई एक और चीज़ बताने वाले हैं इसमें कि अगर आप केवल फेस को ना लेकर अगर पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पर वर्क करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, इसके ब्रश पे, और लिप्स है, आईज है, आप इस पर पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे पहले आप इसका ट्रायल वर्जन यूज करिए और इसको देखिए कि क्या वर्क करता है। अगर आपके लिए बढ़िया ये सॉफ्टवेयर है तो इसे जरूर परचेज कीजिए, एक इजी वे में आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में एक बढ़िया फोटो आप एडिट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।